एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोनस सिलाही का तफसीली जवाब नामा सामने आ गया है। मोनस सिलाही ने जवाब दिया है कि मैं मोहम्मद नवाज भट्टी को नहीं जानता, नवाज भट्टी के अकाउंट से मुतल्लिक भी मालूम नहीं, आरवाई के ग्रुप बनाने में कोई किरदार नहीं है, अलबत्ता उमर शहरियार से कारोबारी ताल्लुक है। मजीद क्या बताया गया है ये जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद बताइएगा। बिल्कुल, एफआईए में मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोनस सिलाही का तफसीली जवाब नामा सामने आ गया है, जिसमें मोनस सिलाही की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया है कि वो नवाज भट्टी को नहीं जानते, नवाज भट्टी के अकाउंट से मुतल्लिक भी उन्हें कुछ मालूम नहीं। अलबत्ता मोनस सिलाही की जानिब से कहा गया कि नवाज भट्टी के शेयर से मुतल्लिक भी हमको नफी में जवाब दिया गया है, आर वाई के ग्रुप बनाने में भी उनका कोई किरदार नहीं, अलबत्ता उमर शहरियार से उनका कारोबारी ताल्लुक है। मोनस सिलाही की जानिब से जवाब नामा जमा करवाया गया, उसमें उनका कहना है कि भाई राकेश सिलाही ने शेयर तोहफे में दिए, जिससे कैपिटल लिमिटेड के जरिए 16% जो शेयर हैं वो हासिल किए गए और 18% शेयर इन्वेस्टमेंट करके एमई कैपिटल लिमिटेड के जरिए किए गए थे। एफआईआर में दायर करवाई गई तफसीलात में सब कुछ मोनस सिलाही की जानिब से डिक्लेयर कर दिया गया है। एफआईआर की जानिब से मोनस सिलाही को 33 सवाल के जवाब जो है वो मांगे गए थे और तफसीली जवाब मोनस सिलाही की जानिब से जमा करवा दिए गए हैं और एफआईआर में मोनस सिलाही में दीगर के खिलाफ 24,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।